वैसे तो दुनिया में बहुत सारे तरीके होते हैं मैगी बनाने के, सबके अपना अपना एक अलग अलग ही तरीका होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी अपना मैगी बनाने का तरीका कि मुझे कैसा मैगी पसंद है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी और उसमें एक दो चम्मच जो है ना खाने वाला जो चम्मच होता है मैंने ऑयल डाला और उसके अंदर कन्नौर का रेड वाला पैकेट मैं यहाँ पे दो पैकेट डाल रही हूँ जो पानी बॉईल हो रहा है। और उसके बाद ये जो इसके छोटे छोटे से मिनी मिनी से होते हैं ना वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। बैकग्राउंड में पोएम्स इन्जॉय करें क्योंकि मेरे दो अलग बच्चे हैं रबीका बुरहान जो कि बेहद जो है वो पोएम्स सुनते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका डाला है इसके अंदर और मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो मैंने दो हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें इसके अंदर हरी मिर्चें, लेकिन सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका लाजमी डालें, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे और चमचे से इसको चलाते रहेंगे। सुकून आपने इसको बिल्कुल भी नहीं लेने देना, ठीक है। और जब ये रेडी होने लग जाएगा ना, पानी इसके अंदर थोड़ा सा रह जाएगा, तो फिर आपने इसके अंदर दोनों पैकेट जो है ना वो मसाले के डालने हैं। मैगी मसाला जो हमारे पास है, इससे क्या होता है कि मसाला अगर आप लोग एंड में डालते हैं ना तो वो ज़्यादा पतीली में चिपकता नहीं है और बहुत अच्छा सा उसका जायका आ जाता है। फिर बड़ी मेहनत के साथ इसको आप मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जी यहाँ पे हो जाएगा ये तैयार। और इसमें इतना सा पानी है, बस इसको इतना ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसको प्लेट में निकालेंगे और प्लेट में निकाल के इसको नोश फरमाएं और अपने मैगी खाएं, दूसरों के मैगियों पे नियत ना रखा करें।